हमने पीछे वाली वीडियो में क्या देखा था कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इस वीडियो में हमने देखना है कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर का मीनिंग है कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस कर रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। हमको वो स्ट्रक्चर डिसाइड करना होता है। स्ट्रक्चर है हमारे पास फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमने पीछे वाली वीडियो में देखा है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन जो हम इसी वीडियो में देख रहे हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, तो हम सिर्फ अभी पहले ये वाली पीछे वाली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन की। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन से पहले मैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या था, हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया था उसके फंक्शन के बेस पर। किसके फंक्शंस के बेस पर? हमारे पास मान लो प्रोडक्ट एक था, क्या लेकर चल रहे थे, शेयर होल्डर के अंडर में कौन काम कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे कौन है, जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के नीचे सिंपल सी बात है कि एक ही प्रोडक्ट है। मान लो हम एक ही प्रोडक्ट में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमको प्रोडक्ट का नाम लिखने की जरूरत ही नहीं थी। हमने क्या किया, जनरल मैनेजर के नीचे सीधा ही ये डिपार्टमेंट हमने बना दिए थे। तो एक प्रोडक्ट के केस में हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम करता है। पर अब हम पढ़ रहे हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, पूरी की पूरी फर्म को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम उसके मेजर प्रोडक्ट के बेस पर हम डिवाइड करते हैं। मेजर प्रोडक्ट का क्या मतलब है, मान लीजिए हमारी कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है, कार का भी बिजनेस करती है, बाइक का भी बिजनेस करती है। तो हमको कार के नीचे वाले सारे डिपार्टमेंट अलग रखने पड़ेंगे, बाइक के नीचे वाले डिपार्टमेंट सारे हमको अलग रखने पड़ेंगे। हमारे पास दो डिवीजन हो गई है, मतलब कार की डिवीजन, बाइक की डिवीजन। मतलब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवीजन के बेस पर डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेयर होल्डर के अंदर, शेयर होल्डर्स के अंडर में कौन काम कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर में जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के अंडर में दो डिपार्टमेंट है, मान लीजिए प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीजन और मेटल प्रोडक्ट डिवीजन। प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीजन के खुद के डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे। प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीजन के अंडर में कौन से डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसी तरह से ही मेटल प्रोडक्ट डिवीजन के भी अपने से ही अपने अलग डिपार्टमेंट होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो इसके अंदर क्या है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने दो प्रोडक्ट के बेस पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया। ये डिवीजन अलग, ये डिवीजन अलग। इस डिवीजन के डिपार्टमेंट अलग हैं और इस डिवीजन के डिपार्टमेंट अपने अलग से ही होते हैं। तो इस प्रकार की डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम, जब हम स्ट्रक्चर जब हम रेडी करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है डिसीजन हम बिल्कुल जल्दी से ले सकते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, प्लास्टिक वाले मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, अगर प्लास्टिक की मार्केटिंग करनी है तो हमको मेटल वाले से पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका अपना काम है, तो अपनी मार्केटिंग अलग से करता रहेगा। फाइनेंस का अरेंजमेंट, प्लास्टिक के लिए फाइनेंस पैसे की अरेंजमेंट अलग से करने वाला है क्योंकि उसके पास, मेटल वाले के पास खुद के पास एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग से है, तो वो अरेंजमेंट उसके अकॉर्डिंग आराम से अपने आप अलग से हो जाएगा, डिसीजन जल्दी हो पाते हैं। इजी एक्सपेंशन, इजी एक्सपेंशन मतलब है कि मान लो हमने एक प्रोडक्ट और बनाना है, प्लास्टिक का बिजनेस कर रहे हैं, मेटल का भी कर रहे हैं, मान लो एक थर्ड क्वालिटी, हम थर्ड एक प्रोडक्ट और लेकर आते हैं, तो जनरल मैनेजर के नीचे एक तीसरा प्रोडक्ट आ जाएगा, तीसरी डिवीजन आ जाएगी, उसके नीचे भी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने बहुत इजी होते हैं। तो मतलब इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इजी एक्सपेंशन कर सकते हैं, बिजनेस को इजीली बढ़ा सकते हैं क्योंकि देखो प्लास्टिक वाला डिवीजन अपने प्रोडक्ट को इजीली बनाकर जल्दी ही बेच सकता है, उसको इस बात की वेट करने की जरूरत नहीं है कि मेटल वाले का मार्केटिंग कम होने वाला है, मेटल वाले की एडवर्टाइजमेंट कम होने वाली है क्योंकि इसकी एडवर्टाइजमेंट ये डिपार्टमेंट वाले अपने अलग से कर लेते हैं। तो इस तरह से भी एक्सपेंशन बहुत इजीली आप अपनी जल्दी से कर सकते हो। रिजल्ट एक्सेस्ड, रिजल्ट को बहुत जल्दी आप अच्छे से एक्सेस कर सकते हो क्योंकि इसके रिजल्ट अपने आने वाले हैं, इस डिवीजन के रिजल्ट अपने होंगे, मेटल वाले के रिजल्ट अपने होंगे, तो आप दोनों के रिजल्ट अलग अलग से देख भी सकते हो और उनके कंपैरिजन भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि प्रॉफिट कहाँ पे ज्यादा अच्छा हो रहा है।
फिर कोऑर्डिनेशन, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन भी रहता है। कोऑर्डिनेशन क्यों रहता है, क्योंकि इसके अपने खुद काम हो रहे हैं और इस वाले डिपार्टमेंट के अपने खुद के काम अलग से ही हो रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन बना रहता है। कोऑर्डिनेशन किससे, जनरल मैनेजर से इसका कोऑर्डिनेशन आराम से रहता है, कोई भी एक दूसरे के काम के अंदर टांग नहीं अड़ाता है। फिर पांचवी बात आ रही है बेनिफिट ऑफ द डिविजनल कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन का भी फायदा होता है। देखा जाता है कि किसकी सेल ज्यादा हो रही है, प्रोडक्शन कौन जल्दी कर रहा है, ये वाले डिपार्टमेंट का या ये वाले डिपार्टमेंट की। इस डिपार्टमेंट के एडवर्टाइजमेंट मान लो ज्यादा अच्छी चल रही है, तो हो सकता है कि सेल इसकी ज्यादा हो जाए, इसकी सेल मान लो कम हो, तो इनके कंपैरिजन भी हो जाती है, बेनिफिट भी हमको मिल जाता है। कंपैरिजन करने से हम उनकी सैलरी भी, इंप्लॉइज की सैलरी, जिस डिपार्टमेंट के लोग ज्यादा अच्छे से काम करेंगे उनकी सैलरी हम इंक्रीज कर सकते हैं। छठी बात आती है इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच प्रोडक्ट। हम अगर जनरल मैनेजर की नजर से देखें, जनरल मैनेजर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जवाब देना है, तो इसके लिए दोनों प्रोडक्ट सेम है, सेम इंपॉर्टेंस प्लास्टिक को, सेम इंपॉर्टेंस जनरल मैनेजर ने मेटल को भी देनी है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार के डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या लिमिटेशन आती है, क्या प्रॉब्लम आती है। पहली बात है डुप्लीकेसी होती है फंक्शंस की। फाइनेंस का काम देखो अलग अलग करना पड़ रहा है, फाइनेंस का काम इसके अंडर में भी है, फाइनेंस का काम इस डिपार्टमेंट के अंडर में भी है, तो फाइनेंस का काम डबल डबल हो गया, इंप्लॉइज भी डबल चाहिए होंगे, मेंटेन करना पड़ेगा, सैलरी डबल देनी पड़ेगी, तो प्रॉब्लम वहां पे ये भी आ जाती है कि फंक्शंस की डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा जाती है, एक्सपेंस पड़ जाता है, कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, टाइम ज्यादा लगता है। दूसरा है सेल्फिश एटीट्यूड। इस प्रकार के डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ लोगों का एटीट्यूड बहुत सेल्फिश होता है, अपना काम पूरा करने के लिए दूसरों को भी कभी कभी वो अनदेखा करते हैं, क्योंकि अपना स्वार्थ, अपना सेल्फ उनको सेटिस्फाई करना होता है। तीसरी बात है कंट्रोल। कभी कभी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि कंट्रोल करना कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, पैसे की वेस्टेज कहाँ से आ रही है। कंट्रोल करना कभी कभी मुश्किल होता है, क्योंकि इन लोगों का आपस में ईगो की वजह से कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चौथी बात है हाई क्वालिफाइड स्टाफ। इसके अंदर आपको बहुत हाई क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए। इस डिपार्टमेंट के लिए आपको अलग से पढ़ा लिखा हाई क्वालिफाइड ट्रेंड किया हुआ स्टाफ चाहिए, इसके लिए आपको अलग से स्टाफ चाहिए। प्लास्टिक वाले डिपार्टमेंट में आपको प्लास्टिक से रिलेटेड ही, जिसको प्लास्टिक की अच्छे से नॉलेज हो, वही लोग चाहिए, इसके अंदर मेटल वाली नॉलेज वाले। फिर बात आती है कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द डिविजनल हेड। डिविजनल प्लास्टिक डिविजन का जो हेड होएगा, मेटल डिविजन का जो हेड होता है, इनके आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसके फाइनेंस वाला बंदा इसकी बात ना मानता हो, इसकी बात जल्दी मानता हो, तो वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट आती है। कभी कभी इन डिविजन को लगता है कि जनरल मैनेजर इनसे क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। मान लो इनको ये लगे कि जनरल मैनेजर उसकी बात ज्यादा सुनता है, मान लो मेटल वाले को ये लगे कि जनरल मैनेजर मेरी बात सुनता ही नहीं, किसकी बात जल्दी मानता है, प्लास्टिक वाले की मानता है, तो वहां पे इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है, और वो फिर ओवरऑल क्या करता है, नुकसान क्या होता है, फर्म के जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, फर्म के जो टारगेट होते हैं, वो पूरे नहीं होते हैं, प्रॉफिट डाउन होना जाता है, कभी कभी इंप्लॉइज भी स्ट्राइक पे चले जाते हैं और फर्म को नुकसान होता है, फिर सेल कम, प्रॉफिट कम, लॉसेस, फिर फर्म बंद होने की भी पॉसिबिलिटी तक आ जाता है। तो डिविजनल जो के जो हेड होते हैं उनके आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो डिविजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पे बनाना सूट करेगा आपको, कहाँ पे फायदेमंद है, जहाँ पे प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, दो प्रोडक्ट है तो ज्यादा बेनिफिट है, दो से ज्यादा डिपार्टमेंट आपको, दो से ज्यादा प्रोडक्ट है तो आपको डिपार्टमेंट ज्यादा बनाने पड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी और डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज करनी है, वहां पे आपको डिपार्टमेंट ज्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि प्लास्टिक को यूज करने की टेक्नोलॉजी अलग है, मेटल को क्रिएट करने की, प्रोडक्शन करने की उसकी टेक्नोलॉजी अलग है, तो जहां पे मेथड अलग चाहिए, डिफरेंट टेक्नोलॉजी चाहिए, वहां पे आपके लिए डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन द बेस्ट है। जहां पे बिजनेस का साइज रियलिटी में ही बहुत बड़ा है, तो वहां पे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, क्योंकि कभी कभी हमने बिजनेस में देखा है कि एक बिजनेस के अंडर में काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनका वो प्रोडक्शन करती है, सेल करती है, तो द बेस्ट है। अगर आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हैं तो बिजनेस का साइज बहुत बड़ा होता है, तो ये आपके लिए अच्छा रहता है कि हम क्या करें, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिवीजन के डिपार्टमेंट बना दें, क्योंकि उसके खुद के एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट होने वाले हैं। तो ये था हमारा वीडियो नंबर 2। क्या देखा हमने इसके अंदर, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, जिसमें प्रोडक्ट मान लो एक होता है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के बेस पे डिवाइड करना। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आप अपने मेजर प्रोडक्ट के बेस पर डिवाइड करते हो। मेजर प्रोडक्ट मान लो दो प्रोडक्ट, तो नो, दो प्रोडक्ट के बेस पर मैंने डिविजन बना दी नीचे। तो ये था हमारा सेकेंड वीडियो।
हिस्से का पहला का वीडियो अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।